हाय गाइस, वेलकम बैक टू कार्स क्लोसेट। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच अकम्प्लिश्ड वेरिएंट के बारे में। क्विकली गाइस, अगर हम इसके फ्रंट लुक्स के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इसके DRLs देखने के लिए मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है। यहाँ पे आपको टाटा की ह्यूमैनिटी लाइन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि क्रोम के साथ में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। टाटा का ब्रॉड लोगो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्राई एरो के कटआउट के बीच में हॉर्न की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको इसके हेलोजन हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं। फोग लैम्प की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है। यहाँ पे आपको ट्राई एरो का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसके साइड के बारे में बात करते गाइस, तो आपको यहाँ पे 185/70R15 यानी कि आपको इसमें 15 इंच के व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि स्टील रिम के साथ में इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। इनके ऊपर आपको व्हील कैप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे साइड टर्न व्यू इंडिकेटर्स को ORVM में इंटीग्रेटेड किया गया है। अगर हम इसके रियर के बारे में बात करते हैं तो आपको LED टेल लैंप्स इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। पंच के इनिशियल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। रियर व्यू मॉनिटर कैमरे का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। टाटा का ब्रॉड लोगो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है। वोकल फॉर लोकल का स्टीकर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। रिफ्लेक्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर कहीं हम इसके बूट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बटन दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसको ओपन कर पाएंगे। आपको यहाँ पे 366 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। बूट लैम्प का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे 1 केजीज के बोथ साइड ग्रोसरी हुक्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है। आपको यहाँ पे टायर पंचर रिपेयर किट भी दिया गया है, जो कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी थॉटफुल टच हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेम साइज के टायर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि स्टील रिम के साथ में इसमें प्रोवाइड किया गया है। बूट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। अगर गाइस हम इसके की के बारे में बात करते हैं तो लॉक अनलॉक बूट रिलीज एंड फॉलो मी हेडलैम्प का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और कुछ इस तरीके की आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। क्विकली गाड़ी को अनलॉक करते हैं। आप यार रिक्वेस्ट सेंसर बटन की मदद से भी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। अगर हम इसके डोर्स के बारे में बात करें तो ये 90 डिग्रीज में ओपन होते हैं, जिससे इन एंड आउट काफ़ी इजी हो जाता है। अगर हम इसके राइट डोर के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे ORVM को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। 1 लीटर बोटल होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। मैगजीन होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अम्ब्रेला होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। स्पीकर वेंट की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का आपको देखने के लिए मिलता है। ऑटो इंजन ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीट्स में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है। क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं। अगर गाइस हम इसके स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ट्रैक चेंज का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। वॉइस कमांड एंड फोन पिक करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एंड कॉल ड्रॉप करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। टाटा का ब्रॉड लोगो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम फीचर हो जाता है। आपको यहाँ पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी तरह आपको यहाँ पे इसके वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको इसमें ड्राइविंग मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। गाइस, आप इसको 2 मोड्स में जो है ड्राइव कर सकते हैं। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अगर हम इसकी MID डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आप इसमें जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू MT, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें गाइस, तो 7 इंच का आपको इसमें दिया गया है, जो कि पावर्ड बाय हार्मन कार्डन आता है, जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम साउंड क्वालिटी ऑफर करता है। आपको इसमें वॉइस कंट्रोल का फीचर भी देखने के लिए मिलता है, जिसको आप 3 लैंग्वेजेस में कंट्रोल कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड हिंग्लिश। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप इसके AC वेंट्स देख सकते हैं गाइस, जिसके अराउंड आपको शैम्पियन गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आपको यहाँ पे ट्राई एरो का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगेन आपको यहाँ पे कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाता है सामान रखने के लिए। आपको यहाँ पे USB का ऑप्शन दिया गया है। USB एंड ऑक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगेन आपको शैम्पियन गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ये कुछ आप इसकी गियर नॉब देख सकते हैं गाइस, जो कि लेदर रैप्ड इसमें दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ आप इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा देख सकते हैं गाइस, जो कि
अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में नहीं आता है। अगर हम इसकी सीट्स के बारे में बात करें गाइस, तो आपको फैब्रिक सीट्स इसमें देखने के लिए मिलती है, जिन पे भी ट्राई एरो का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको एक लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया गया है। क्विकली गाइस अगर हम इसके रियर के बारे में बात करते हैं, तो डोर ओपनर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। पावर विंडो का कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है। 1 लीटर बोतल होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। मैगजीन होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। स्पीकर वेंट की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं। अगर गाइस हम इसके रियर से डैशबोर्ड के बारे में बात करें, तो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम लगता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम इसके रियर सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें, तो मेरी हाइट 6 फीट है एंड फ्रंट सीट को मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया है। उसके बाद आपको कुछ इतना मैसिव स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसमें 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। रियर के आपको फिक्स हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। अगर कहीं से हम इसके डाइमेंशंस के बारे में बात करते हैं, तो 3827 mm लेंथ, 1742 mm विड्थ, 1615 mm हाइट, 2445 mm आपको इसमें व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। ये कुछ आप इसका 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं। दिस इज ओल्ड एंड अबाउट टाटा पंच अकम्प्लिश्ड वेरियंट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।